आज हम बनाने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी स्पेशल रेसिपी और वो है मोदक। आज हम बनाएंगे दो तरीके के मोदक, एक है मावा मोदक और ओरियो मोदक। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मावा मोदक। उसके लिए हम एक कप मावा को हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसे एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके अंदर भरने वाला मिक्सचर बना लेते हैं। उसके लिए हम थोड़े से चॉप ड्राई फ्रूट्स लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच नारियल का बुरादा और साथ ही में स्वाद अनुसार चीनी, मीन्स पिसी हुई चीनी, और साथ ही में थोड़ा सा मावा डाल के इसका एक कुछ इस टाइप का मिक्सचर बना लेंगे। फिर उसके बाद अब हम इस मिक्सचर की छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे और इसी तरीके से सभी बॉल्स को बना करके रेडी कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमारा मावा भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार चीनी। आप जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, कम खाते हैं तो कम, उस हिसाब से डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद अब हम अपने मावा को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिया है हमने मोदक बनाने का मोल्ड, और बिना मोल्ड के भी हमने बहुत सारे मोदक बनाए। उसकी रेसिपी ऑलरेडी डली हुई है और उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ जाकर देख लेना। तो सबसे पहले हम मोदक मोल्ड में अपना मावा वाला मिक्सचर भरेंगे। फिर उसके बाद जो हमने अलग से फिलिंग बनाई थी उसकी ड्राई फ्रूट्स की, वो डालेंगे। फिर उसके बाद दोबारा से मावा की एक लेयर दे देंगे और यहाँ पर हमारे टेस्टी से मोदक रेडी हैं। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इनका कितना ज़्यादा प्यारा शेप आया है। तो यहाँ पर हमारे झटपट से बन जाने वाले मावा मोदक रेडी हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं ओरियो मोदक। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर लिया है मैंने एक बड़ा पैकेट ओरियो, और उसमें से हम सबसे पहले सभी बिस्किट्स को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद अब हम एक बिस्किट को बीच में से ओपन करेंगे और बिस्किट को बीच में से ओपन करने के बाद हम उसकी जितनी भी क्रीम है उसे एक अलग बाउल में निकाल करके रख लेंगे। और इसी तरीके से हम सभी बिस्किट्स की जो अंदर वाली क्रीम है उसे निकाल कर अलग कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमने सभी बिस्किट्स की क्रीम निकाल लिया है। अब हम इन बिस्किट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेंगे। फिर उसके बाद अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे और इनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बिस्किट्स है वो ग्राइंड हो चुके हैं, ये पाउडर बन चुका है इनका। फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसका एक डो बना करके रेडी कर लेंगे। ध्यान रखें कि जो डो है वो ज़्यादा ही सॉफ्ट ना हो, वरना फिर आपके मोदक अच्छे नहीं बनेंगे। हमें इसे हल्का सा हार्ड ही रखना है ताकि जो हमारे मोदक है वो काफ़ी अच्छे शेप में बने। तो यहाँ पर हमारा डो रेडी है। अब हम लेंगे मोदक मोल्ड, जिसमें डालेंगे हम अपना ओरियो का मिक्सचर, मींस ओरियो वाला डो। और ओरियो का डो अंदर अच्छी तरीके से लगाने के बाद जो हमने इसकी अंदर वाली बिस्किट्स के अंदर वाली जो क्रीम अलग करी थी उसकी हम एक बॉल लेंगे, उसे भी अंदर डाल देंगे। फिर उसके बाद दोबारा से ओरियो के डो की एक लेयरिंग देंगे और बस हमारे यहाँ पर मोदक रेडी है। और हम इसे आराम से ओपन कर लेंगे और देखेंगे कि हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा और टेस्टी सा ओरियो मोदक बन करके रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम सभी बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ओरियो और मावा दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोदक रेडी हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये टेस्टी सी मोदक की रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो करिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।